पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई, इसके बाद 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पहले वो सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया है, उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। भारतीय मीडिया के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी मोदी के बयान को अपने पन्नों पर जगह दी है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने 22 अप्रैल को इसे लेकर मोदी पर चुनावी रैली में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप शीर्षक से रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर छापी। इस रिपोर्ट में भारत के नागरिकता कानून का भी जिक्र किया गया है। लिखा गया है कि इस कानून को लागू करने को लेकर देश में विवाद भी हुआ था। चीन की न्यूज वेबसाइट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि चुनावों में बढ़त हासिल करने के लिए मोदी ने मुस्लिम विरोधी बयानबाजी शुरू की। वेबसाइट ने लिखा है कि बीजेपी की उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन न होने के दावों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी रैलियों में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों पर बयानबाजी तेज कर दी है। उनके बयानों से चुनाव के मानकों यानी आचार संहिता के उल्लंघन होने की चिंता जताई जा रही है। टाइम मैगजीन ने भी इस खबर को जगह दी है। मैगजीन ने लिखा है कि भारत की आबादी 144 करोड़ है और बीजेपी की आलोचना मुसलमान समुदाय को बाहर से आए विदेशियों के रूप में देखने के लिए होती रही है। इनमें पड़ोसी बांग्लादेश और म्यांमार से आए मुसलमान भी शामिल हैं। पत्रिका ने अमेरिका में मुसलमानों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के एक बयान को अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, जिसमें मोदी के भाषण की आलोचना की गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर 23 अप्रैल को रिपोर्ट छापी। वेबसाइट ने जिस शीर्षक के साथ रिपोर्ट छापी है वो है, मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा? क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अपनी सत्ता को सुरक्षित मानकर पीएम मोदी आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर देश के विकास को लेकर वैश्विक नेता के तौर पर खुद को पेश कर रहे थे। ऐसा करके वो पार्टी के प्रचलित विभाजनकारी रवैये से खुद को अलग रखे हुए थे, लेकिन रविवार शाम को उन्होंने एक चुनावी स्पीच देकर मुसलमानों को कथित तौर पर घुसपैठिए और अधिक बच्चों वाला कहा। उनकी ये स्पीच बड़े विवाद का मुद्दा बन गई। मध्य पूर्व से चलने वाले मीडिया आउटलेट अल जजीरा ने 22 अप्रैल को इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के एक विवादित भाषण के बाद उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अल जजीरा ने लिखा है कि स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें मोदी के भाषण से जुड़ी दो शिकायतें मिली हैं, जिनमें उनके चुनाव प्रचार को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। तुर्की से चलने वाले टीआरटी वर्ल्ड ने इस हेडलाइन के साथ रिपोर्ट छापी है कि वोट की तलाश में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, जिसके बाद नाराजगी देखी जा रही है। वेबसाइट के अनुसार मोदी की दक्षिण पंथी पार्टी के प्रवक्ता ने उनकी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने वही कहा जो सही है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनावी भाषण में खुले तौर पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया है।